copper deposited from copper sulfate solution by a current of 0.25 ampere flowing for 1 hour. देख मु लिखुच क्वेश्चन न लिखले तुम जान पार फाइंड द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बाय ए करेंट ऑफ 0.25 एम्पियर flowing for 1 hour. ला तो एटॉमिक मास ऐट दिया ही जाए ची. एटॉमिक मास ऑफ कॉपर दे दी ची 63. देखो क्वेश्चन देखो. फाइंड द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बाय ए करंट ऑफ 0.25 ampere flowing এটা flowing লিখেছি flowing for 1 hour তাহলে একটা মাস কপার দিয়েছি সেটা দিয়ে কোশ্চেন কোন দিয়েছি দেখো আমাকে গিভেন দিয়েছি যে যে কারেন্ট নেইছিলে কারেন্টের সিম্বল মু কোন নেইছিলি কারেন্ট অ্যাম্পিয়ারে মাপুছিলে ম্যাম কিউ দিয়েছিলে কারেন্ট কোশ্চেন কিউ নেইছিলি ইলেকট্রিসিটি বললাম কারেন্ট সি নেইছিলি সি সি सी नहीं थली करेंट क्यू नहीं ना थली क्यू इज इक्वल टू सी इनटू इक्वल टू सी इनटू टी हां तो द करेंट एट दे देला 2.5 एंपियर करेंट तो मु दियाला टाइम देखो देची फ्लोइंग फॉर 1 आवर करेंट केते टाइम फ्लो करूची ना गोटे घंटा 1 आवर को कोन करिबा कोटी कन्वर्ट करिबा सेकंड को कन्वर्ट करिबा तो 60 इनटू 60 3600 ठीक है सेकंड 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 देखो एटा एटा हमर पाई गले त आ धर हमें क्यू टा पाई परबे ना नहीं क्यू इक्वल टू सी इनटू टी एटी 0.25 इनटू 0.25 इनटू 3600 हां इक्वल टू 3600 देखो कल 900 कुल हां इधर जल्दी से कैलकुलेट कर देलो मैथ में बड़ा स्ट्रांग ना तो देखो एटा होची एटा भी डिवाइड कर दबा 10 ए जो 100 100 100 कटि गेला मल्टीप्लाई कर देला हेला तो हमर पाई गेले देखो क्यू पाई गेले 900 कूलम हमें पाई गेले देन हमें कोन करिबा हमर इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करियार अछि तो इक्विवेलेंट मास हमर केमती भारीबो तुम केठी एटॉमिक मास कॉपर दे देला बुझियो छी क्वेश्चन को पचाची देखो क्वेश्चन भाग सुनो पचाची जे हमर फाइंड द मास ऑफ कॉपर केते मास कॉपर डिपॉजिट होउची ना केते बड़े ना हमर सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन टा नै थेले सेटा हमर केते रही छै कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन नि आइ छै तो कहू छै केते कॉपर हमर डिपॉजिट हेइ छै ना हमर सेटा कैलकुलेट करियार अछि ना जेते बड़े हमर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन देरे इलेक्ट्रिसिटी पास करू छै केते ना करंट पास करू छै करंट क्यू नो 0.25 एडे गोटे घंटा पई एथरो हमें क्यू रा वैल्यू आ कर देले जे हम इलेक्ट्रिसिटी केते पास करू छी बुझला केते इलेक्ट्रिसिटी पास करू छी जेते बळे हमर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन नै छी कॉपर डिपॉजिट हो छी त हमें कोन करिया 1 फैराडे रे भाग कर देबा हमें सब बळे कोन भाग कर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट रे हमें हो छी 96000 और 1 फैराडे रे केते अमाउंट डिपॉजिट हुए सेटा हमें कैलकुलेट करू त सी हम केठी पछा छी जेते जेते क्यू रा अमाउंट 900 तो एति की करंट जे तले पास करिवो इलेक्ट्रिसिटी पास करिवो तो केते ग्राम डिपॉजिट हबो देखो तम्मो को सबले कोन निया हुए तम्मो को पछरा हुए जेटा बाहरि ओतार इक्विवेलेंट मास सेटा गणा हबो सेटा ना ना सुनो क्वेश्चन को पछाची आमे कोन करू आमर एटी नै गले जहा भी गोटे तरे एटी कॉपर सल्फेट नै छै ई गोटे एग्जांपल दे कॉपर सल्फेट नै छै एठी कॉपर रही छै कॉपर एठी गोटे जहा भी आर्टिकुलेट आयरन फायरन जहा निया तो कॉपर केते डिपॉजिट हैला सेटा हमें केंती कैलकुलेट करू ना हमर एटी फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को पास करू 1 फैराडे पास करले हमें देखू जे एटी केते कॉपर डिपॉजिट हैला ना कॉपर रो इक्विवेलेंट मास होची जति की सेति की तो एठी क्वेश्चन कोन दे देला कहलो तमको क्यूटा कैलकुलेट करबो माने एटा भी क्यू नो की क्यूटा एटी 1 फैराडे नै छे त एठी क्यू हम केते दे देला करंट देला आ टाइम देला तमे क्यू भाग करलो जे 900 कूलम एटा 1 फैराडे रे केते होतला 96500 कूलम
आमे सब बड़े कैलकुलेट करू जे हमर 96500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास करले केते ग्राम डिपॉजिट होउची ना हमर कॉपर रो इक्विवेलेंट मास होउची जति की हैला तो एथि कहि देला तुम कोन क्यू रो वैल्यू दे देला करंट तुमको दे देला तुम्हें एवं कौन कर तुम यहाँ कैलकुलेट कर पार ना ना जे वन फाराडे हेले अमर केते कॉपर डिपॉजिट होउची तुम कर पार एटा कर पार ना ना देखो तमर काम है तमे एठी 96500 रे केते की डिपॉजिट होउची सेटा कौन तुम्हारे इक्विवेलेंट मास तापर डिवाइड बाय 96500 भाग कर दबो तो तुमको जदि मु क्यू रा तुम्हारा गोटे एक्स्ट्रा वैल्यू दिया है जे जेतेबेले 1 फैराडे होची तमे कैलकुलेट कर दोउछ एतिकी वैल्यू बोली तरे मु तमको क्यू रा आ गोटे वैल्यू देबी जे एतिकी करंट नो ह तमको 900 जेतेबेले कूलम करंट पास करिबा तले केते तमरा डिपॉजिट करिवो तमे कर परिबो नि एटा मैथ देखो मु तमको कहूची 96500 एतिकी कूलम जेतेबेले पास करूची सपोज तमरा कॉपर रो इक्विवेलेंट मास होची 31.5 एतिकी हमरा डिपॉजिट होची तो तुमको मुझे कहबी 900 कूलम जो इलेक्ट्रिसिटी पास कर डिपॉजिट हम तुम सिंपल 31.5 बाय 96500 इनटू 900 कूलम वेरी गुड वेरी गुड देखो एमती करबा सिंपल मैथ नो मु कहबी एतिकी को एतिकी ग्राम डिपॉजिट होची एतिकी कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास करले एतिकी डिपॉजिट होची तो 900 रे केते तुम्हें कहो एतिकी डिवाइड बाय एतिकी 900 1 कूलम रे केते तले एतिकी डिवाइड बाय एतिकी नो हां अरे ये सिंपल मैथ नो यस मैम नहीं 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 कहो यस मैम यस मैम मुझे ला तो एबे देखा हम एटी कहो छी सब बेले फैराडे रे केते तमे कैलकुलेट कर दोउ छ काहे कि ना तमे जानछो जे 1 फैराडे हो छै एतिकी 96500 कूलम त एतिकी कूलम जते बेले इलेक्ट्रिसिटी पास करिवो हमरो इक्विवेलेंट मास मीन्स कॉपर एठी नै छै त कॉपर इक्विवेलेंट मास से तो समान हबो कॉपर इक्विवेलेंट मास टा हम कैलकुलेट कर एतिकी बाहरिवो देन आमे तो इलेक्ट्रिसिटी टा कैलकुलेट करी छै ना आगरु हमको सी आउ टी दे दैथिला त सी ए पचार छी जते बेले 900 कूलम पास करिवो सेते बेले हमर केते ग्राम डिपॉजिट हबो कॉपर त एथुर हम कैलकुलेट करबो जति ग्राम हबो सेति ग्राम डिपॉजिट करबो कॉपर बुझि आउ छी यस मैम यस मैम त ताको केमति लेखिबा तमरो देखो तम मु जाइथली 900 कूलम जके कैलकुलेट कर दैथली तापर हम कोन करबा एबे एबे हम एटॉमिक मास दै छी कॉपर रे एटॉमिक 63 दै छी वैलेंसी कॉपर केते कहिथली 2 C2 plus equivalent mass kata hobo 63 by 2 31.5 he gala to tamara dekho kon lekhiar achi ta kemti lekhiba dekho na 96500 coulomb of electricity hela 96500 coulomb of electricity produce kete produce kochi the produce 1 gram no 1 equivalent tar pare kon karibo na 96500 coulomb electricity produces copper kete copper produce karchi na ar equivalent 31.5 500 coulomb of electricity produces copper equal to eita lekhibo copper equal to 31.5 31.5 तापर कोन करिबा तापर 900 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसेस जेमि त म कहिली तापर कोन लिखिबा तळ को लिखिबो जे 900 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसेस कॉपर इक्वल टू 31.5 बाय 96500 इनटू 900 वैल्यू हो 0.2937 ग्राम तो लास्ट को देयरफोर कर लिखिबो जे मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड हैला ना एतिकी 0.2937 ग्राम 0.2937 ग्राम बुझी आउची ना नाही मते कोह यस मैम बुझी आउची सॉरी सर तो प्रॉब्लम सॉल्व यस मैम जदी मो आज ही नोट्स सेंड करबी
तुमर जदि डाउट आसिला नेक्स्ट क्लास रे मते पचारिबो हला ओके मैम हां।